हेलो फ्रेंड्स, होममेड क्राफ्टिंग में आपका स्वागत है। आज देखिए, मैं ये पोंचो बनाकर लाई हूँ। देखिए, ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है पोंचो। इसमें मैंने ये बटरफ्लाई का डिज़ाइन डाला है। देखिए, इस तरह से मैंने इसमें ये बटरफ्लाई का डिज़ाइन डाला है और साथ ही मैंने ये मोती भी लगाए हैं। और ये बनाया है मैंने 7 ईयर्स से लेकर 8 ईयर्स बेबी गर्ल्स के लिए। देखिए, इसमें मैंने ये टोटल 276 बटरफ्लाई बनाए हैं और इतने ही मैंने इसमें मोती लगाए हैं। 276 मैंने इसमें मोती लगाए हैं और 276 मैंने इसमें ये बटरफ्लाई बनाई हैं। देखिए, अब आपको मैं इसकी लेंथ बता देती हूँ कि इसकी लेंथ मैंने कितनी रखी है। ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी लेंथ है 46 सेंटीमीटर। 46 सेंटीमीटर मैंने इसकी ये लेंथ रखी है। आप इससे ज़्यादा या कम रख सकते हैं बच्चे के अनुसार। देखिए, इसके लिए मैंने ये ओस बाल की बूल ली है। ये ओस बाल की माइक्रो बूल है और देखिए 4 मिलीमीटर का मैंने ये क्रोशिया हुक लिया है। 4 मिलीमीटर का मैंने क्रोशिया हुक लिया है। और देखिए, पिंक कलर तो आप 180 ग्राम ले लें, 180 ग्राम पिंक कलर, और 170 ग्राम आप ये ब्लू कलर ले लें। इतना आपको बूल लेना है, 350 ग्राम टोटल, 350 ग्राम आपको बूल लेनी है। देखिए, आप मेरे को कमेंट में लिखिए कि ये पोंचो आपको कैसा लगा। मेरे को तो ये बहुत ही सुंदर पोंचो लग रहा है। देखिए, और मेरी वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को साथ ही आप सब्सक्राइब भी कीजिए, और मैं इसी तरह से ये नई नई वीडियो डालूँगी। अब देखिए, मैं पोंचो को बुनती हूँ। देखिए, अब मैं पोंचो को बुनती हूँ। सबसे पहले मैं नोट बांधूँगी इस तरह से। देखिए, ये मैंने नोट बांध ली है। अब नोट बांधने के बाद इसमें मैं 98 चेन डालूँगी। 98 चेन, तो इस तरह से चेन को डालना है। पूरी चेन इसी तरह से डालनी है। देखिए, इस तरह से मैंने ये 98 चेन डाल दी है। देखिए, इस तरह से ये आई है चेन बनकर। अब देखिए, इस चेन को मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। देखिए, इस तरह से मैंने इसको चेन को ज्वाइन कर दिया है। देख, इस तरह से ये चेन जुड़ गई है। इस तरह से ये बनकर आ गई है चेन। अब देखिए, इसमें मैं हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी पूरी चेन में। 1 2 2 की चेन और हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया डालना है पूरी चेन में। इस तरह से आएंगे ये हाफ डबल क्रोशिया। देखिए, हाफ डबल क्रोशिया डालना है पूरी चेन में।
देखिए पूरी चेन में मैंने हाफ डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए यहाँ पर ज्वाइन कर दूँगी। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। देखिए इस तरह से पूरी चेन में मैंने ये हाफ डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए मैं इसको टू पार्ट में डिवाइड करूँगी। 49 इधर रखने हैं, 49 इधर रखने हैं। तो देखिए मैं मार्क लगाती हूँ। अब मार्क को लगाना है काउंट करने के बाद। देखिए यहाँ पर मार्क लगाना है। देखिए 49 इधर हो गए हैं, 49 इधर हो गए हैं। देखिए अब मैं इसमें डिज़ाइन डालती हूँ। डिज़ाइन को डालना है। वन टू थ्री, थ्री की चेन और डबल क्रोशिया। वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, टोटल हो गए हैं ये थ्री डबल क्रोशिया, टू की चेन और थ्री डबल क्रोशिया। टोटल हो जाएंगे ये सिक्स डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने सिक्स डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब वन टू, टू की चेन और नीचे से वन टू थ्री, थ्री चेन को स्किप करना है और फोर्थ चेन में बी स्टिच डालना है। देखिए इस तरह से वन टू थ्री, थ्री की चेन, डबल क्रोशिया इसी में ही। देखिए इस तरह से मैंने ये बी स्टिच डाल दिया है बीच में थ्री की चेन। वन टू, टू की चेन, अब नीचे से वन टू थ्री, थ्री चेन को स्किप करना है, फोर्थ चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है इस तरह से। वन टू, टू की चेन, वन टू थ्री, थ्री चेन को स्किप करना है और फोर्थ चेन में भी स्टिच डालना है। वन टू थ्री, थ्री की चेन और भी स्टिच, डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैं ये बी स्टिच डाल रही हूँ। वन टू, टू की चेन और वन टू थ्री, थ्री चेन को स्किप करना है, फोर्थ चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। वन टू, टू की चेन, वन टू थ्री, थ्री चेन को स्किप करना है, फोर्थ चेन में बी स्टिच डालना है। वन टू थ्री, बी स्टिच, वन टू, टू की चेन, वन टू थ्री, थ्री चेन को स्किप करना है, फोर्थ चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। वन टू, टू की चेन, वन टू थ्री, थ्री चेन को स्किप करना है, फोर्थ चेन में बी स्टिच डालना है। वन टू थ्री, थ्री की चेन और डबल क्रोशिया, ये हो गया बी स्टिच, ये डल गया बी स्टिच। देखिए इस तरह से ये बी स्टिच आ रहे हैं और बीच में सिंगल क्रोशिया और टू की चेन ऊपर है और थ्री चेन को स्किप करना है नीचे से। वन टू, टू की चेन, वन टू थ्री, थ्री चेन को स्किप करना है, फोर्थ चेन में बी स्टिच डालना है। देखिए इस तरह से ये बी स्टिच आ रहे हैं। अब वन टू, टू की चेन और देखिए यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये मार्क लगाया है यहाँ पर डालना है। यहाँ पर डालने हैं सिक्स डबल क्रोशिया। वन टू थ्री, टू की चेन और थ्री डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये सिक्स डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने सिक्स डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। दो कॉर्नर बना दिए हैं, एक आएगा ये फ्रंट में और एक आएगा ये बैक में। वन टू, टू की चेन,
वन टू थ्री, थ्री चेन को स्किप करना है, फोर्थ चेन में बी स्टिच डालना है, थ्री की चेन और डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये बी स्टिच डाल दिया है, वन टू, टू की चेन, वन टू थ्री, थ्री चेन को स्किप करना है, फोर्थ चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है, वन टू, टू की चेन, वन टू थ्री, थ्री चेन को स्किप करना है, फोर्थ चेन में बी स्टिच डालना है, थ्री की चेन और इसी में डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से मैंने ये बी स्टिच डाल दिया है। इस तरह से डिज़ाइन आ रहा है डलता हुआ। देखिए जैसे मैंने ये इधर भी स्टिच डाले हैं, इधर की साइड भी मैं इसी तरह से डालूंगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स डाले हैं मैंने भी स्टिच, और इधर भी मैं सिक्स ही डालूंगी। यहाँ तक कंप्लीट करूंगी, इसी तरह से बुनना है। वन और एक ये टू, टू की चेन, वन टू थ्री, थ्री चेन को स्किप करना है, फोर्थ चेन में बी स्टिच डालना है, वन टू थ्री, थ्री की चेन और इसी में ही डालना है डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये बी स्टिच डाल दिया है, वन टू, टू की चेन, वन टू थ्री, और देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी, और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने ये बी स्टिच डालते हुए रो को कंप्लीट कर दिया है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इधर हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स इधर हैं, टोटल इसमें ट्वेल्व बी स्टिच डाले हैं मैंने। देखिए ये चार साल से लेकर दस साल के बच्चे के गले में चेन को डाल सकते हैं। अगर फिर भी ये छोटी आती है चेन गले में, तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिज़ाइन को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसमें थ्री भी स्टिच बढ़ा सकते हैं, थ्री इधर से, थ्री इधर से, या टू बढ़ा सकते हैं, टू इधर से बढ़ाएंगे, टू इधर से, इस तरह से बढ़ाने हैं। और अगर ये बड़ा आता है तो आप इसमें डिक्रीज कर सकते हैं, वन कर सकते हैं, टू कर सकते हैं, टू इधर से, टू इधर से, वन इधर से, वन इधर से, इस तरह से करना है। दोनों तरफ से बराबर बी स्टिच रखना है गले के लिए। अगर छोटा आता है तो बढ़ा लें, और बड़ा आता है तो डिक्रीज कर दें। अब देखिए मैं इसमें डिज़ाइन को डालती हूँ, डिज़ाइन को डालना है बटरफ्लाई, इसमें मैं डिज़ाइन डालूँगी, वन टू थ्री, थ्री की चेन, डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, टोटल हो गई है थ्री डबल क्रोशिया, वन टू, टू की चेन और थ्री डबल क्रोशिया, देखिए ये मैंने सिक्स डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए बी स्टिच में मैं डिज़ाइन डालूंगी, बटरफ्लाई डिज़ाइन, तो इस तरह से डालना है, वन टू, टू की चेन, और देखिए यहाँ पर डालना है बी स्टिच में, ये भी स्टिच है तो यहाँ पर डिज़ाइन को डालना है। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन, सेवन बार मैंने ये डाले हैं डबल क्रोशिया को। देखिए अब ये बुनना है, सेवन बार ही इसको बुनना है, टू टू बुनने हैं। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन, देखिए सेवन बार मैंने ये बुन दिया है डबल क्रोशिया को। अब एक साथ इनको बुनना है, दोनों को निकालना है लास्ट में। देखिए इस तरह से, अब फिर देखिए यहाँ पर बुनना है, बी स्टिच में बुनना है अब,
यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये 3 की चेन बनाई थी, बी स्टिच में 6 डबल क्रोशिया को डालना है। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर इसी तरह से बुनना है, पप स्टिच डालने हैं, इस तरह से डालना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए 7 मैंने ये डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब इनको अलग अलग बुनना है, दो दो को बुनना है, इनको इनको बुनना है, फिर इनको बुनना है, इस तरह से 2 2 को बुनना है। देखिए तो देखिए मैं अब बुनती हूँ इस तरह से, देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, दो दो को बुनना है और फिर लास्ट में भी इनको बुनना है दोनों को। देखिए इस तरह से बटरफ्लाई डिजाइन डल गया है। देखिए बी स्टिच में ये डाल दिया है मैंने इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये सिंगल क्रोशिया ली थी, यहाँ पर डालूँगी डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया को डाल दिया है कि ये बी स्टिच है और यहाँ पर इस तरह से डालना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 7 मैंने ये डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब इसमें 2 2 बुनना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और फिर इन दोनों को बुनना है। इस तरह से ये आ गया है। अब इसी तरह से बुनूंगी मैं। यहाँ पर डालने हैं 6 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, बी स्टिच में 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, टोटल हो गए हैं ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और फिर इसी तरह से पप स्टिच को डालना है 7 बार और 7 बार ही बुनना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए 7 बार मैंने ये डबल क्रोशिया को डाल दिया है। अब देखिए दो दो करके बुनना है, 2 को बुनना है, 2 2 2 2 इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। देखिए इस तरह से मैंने ये दूसरी बटरफ्लाई भी बना दी है, इस तरह से ये आ गई है। देखिए यहाँ पर डालूंगी डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया को डाल दिया है।
अब फिर से मैं इसी तरह से बी स्टिच में बटरफ्लाई डालूंगी। देखिए इस तरह से ये रो भी मैंने इधर की रो कंप्लीट कर दी है बटरफ्लाई डालते हुए। सिक्स बटरफ्लाई मैंने डाल दिए हैं, 1 2 2 की चेन और यहाँ पे डालना है 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 1 2 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 2 2 की चेन, अब देखिए इसी तरह से मैं बी स्टिच में डालूंगी 7 डबल क्रोशिया, 1 2 6 और ये 7। देखिए अब इस तरह से मैं 2 2 करके इनको बुनूंगी, 1 2 बुन दिए हैं, 1 और 1 ये 2। देखिए ये भी 2 बुने हैं, 1 और 1 ये 2, इस तरह से 3। फाइव सिक्स और ये 7 और इनको भी बुनना है लास्ट में। इस तरह से मैंने ये बुन दिए हैं। देखिए इस तरह से ये बटरफ्लाई बनती हुई आ रही है। अब यहाँ पे डालूँगी मैं 6 डबल क्रोशिया, 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। फिर से अब मैं बी स्टिच में डालूंगी ये 7 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 7। इस तरह से मैंने ये पप स्टिच डाल दिए हैं 7। 2 2 को बुनना है, 1 3 4 5, और ये 7, 2 बचे इनको भी बुन देना इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने बटरफ्लाई को बुन दिया है। अभी यहाँ पर डबल क्रोशिया डालना है इस तरह से। देखिए जैसे मैंने इधर की रो बनाई है वैसी मैं अब इधर की रो बनाऊंगी बी स्टिच में बटरफ्लाई डालते हुए। फिर मैं यहाँ पर बताऊंगी किस तरह से यहाँ पर ज्वाइन करना है, बुनना है। तो यहाँ तक मैं अब बुनती हूँ। इस तरह से मैंने ये बटरफ्लाई डाल दी है। अब 1 2 2 की चेन, अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ा दूंगी इस तरह से। देखिए इस तरह से आएगा ये। अब देखिए मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ, 1 2 3, 3 की चेन डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, टोटल हो गए हैं ये 3 डबल क्रोशिया, 2 की चेन, 3 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए 1 2 2 की चेन और यहाँ पर मैं बी स्टिच डालूंगी, इंक्रीज करना है बी स्टिच को, 3 की चेन और डबल क्रोशिया। देखिए मैंने बी स्टिच को यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है, पोंचो यहीं से ही आगे को बढ़ेगा। इधर भी मैं बी स्टिच को इंक्रीज करूँगी और इधर भी मैंने ये कर दिया है और यहाँ भी इंक्रीज करना है दोनों साइड।
देखिए इस तरह से मैंने ये बी स्टिच इंक्रीज कर दिया है, 1 2 2 की चेन, और यहाँ पे डालना है सिंगल क्रोशिया। इस तरह से सिंगल क्रोशिया डाल दी है मैंने, 1 2 2 की चेन, और यहाँ पे डालूँगी मैं बी स्टिच, 1 2 3 3 की चेन और डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये बी स्टिच डाल दिया है, 1 2 2 की चेन, और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डालना है बटरफ्लाई के यहाँ पर, 1 2 2 की चेन, और यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये डबल क्रोशिया डाली थी यहाँ पर डालना है बी स्टिच, 1 2 3 3 की चेन, डबल क्रोशिया, बी स्टिच। देखिए इस तरह से बी स्टिच को डालना है, यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर डाला, यहाँ पर डाला, 1 2 2 की चेन, सिंगल क्रोशिया, 1 2 2 की चेन, और यहाँ पे डालना है बी स्टिच, 1 2 3 1 2 की चेन, यहाँ पे डालना है सिंगल क्रोशिया, 1 2 2 की चेन। अब देखिए यहाँ पर मैं बी स्टिच को इंक्रीज कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ मैं डिज़ाइन को, तो यहाँ पे डालना है बी स्टिच, 1 2 2 की चेन, और यहाँ पे डालना है 6 डबल क्रोशिया, 2 3 डबल क्रोशिया, 1 2 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, देख अब 1 2 2 की चेन। अब यहाँ पर मैं इंक्रीज करूँगी बी स्टिच को, 1 डबल क्रोशिया, 1 2 3 3 की चेन, और इसी में ही डालना है बी स्टिच, इसी में ही डालना है डबल क्रोशिया को। देखिए 1 2 2 की चेन, और देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी इस तरह से, और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है। देखिए इस तरह से मैंने ये पूरी रो कंप्लीट कर दी है बी स्टिच डालते हुए इस तरह से। देखिए 7 बी स्टिच इधर हो गए हैं, 7 इधर हो गए हैं, पहले ये 6 थे, अब इसमें 7 हो गए हैं। देखिए इसी तरह से, और एक यहाँ पर इंक्रीज कर दिया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इसी तरह से इसको बुनना है। यहाँ से ही इंक्रीज होंगे ये बी स्टिच, और पोंचो आगे से इधर से ही बढ़ता है, इधर से और इधर से पोंचो बढ़ता है आगे को। अब देखिए इसी तरह से मैं बटरफ्लाई डालूँगी, बटरफ्लाई को डालना है बी स्टिच के अंदर, जैसे मैंने ये डाली थी। तो एक बटरफ्लाई मैं आपको डालकर दिखाती हूँ, 1 2 3 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया हो गए हैं ये, 1 और एक ये 2 की चेन, और यहाँ पे फिर भी स्टिच में डालना है ये डिज़ाइन, बटरफ्लाई का डिज़ाइन डालना है। इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन डाल दिया है, देख बटरफ्लाई डिज़ाइन मैंने ये डाल दिया।
अब देखिए यहाँ पे डालूँगी मैं सिंगल डबल क्रोशिया। अब 1 2 2 की चेन, अब यहाँ पर डालना है 6 डबल क्रोशिया। ये कोना आ गया है, एक ही फ्रंट में आएगा और एक ही बैक में आएगा। वन टू टू की चेन, फिर इसी तरह से डिज़ाइन को डालना है, फिर इनको भी निकालना है। यहाँ पे डालना है अब सिंगल डबल क्रोशिया। इसी तरह से डिज़ाइन को डालते हुए यहाँ पर मैं कंप्लीट करूँगी। 1 2 2 की चेन, अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया है और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना है। देखिए आगे को बढ़ा दिया है। इस तरह से मैंने ये रो कंप्लीट कर दी है, 4 रो मैंने ये कंप्लीट कर दी हैं। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन आ रहा है, इस तरह से आएगा ये पोंचो। अब देखिए मैं इसमें कलर चेंज करती हूँ, ब्लू कलर लगाना है। वन टू और ये 3 3 की चेन डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 2 2 की चेन, 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं बी स्टिच को इंक्रीज करूँगी। 1 2 2 की चेन यहाँ पर इंक्रीज करना है, 1 2 3 3 की चेन, इस तरह से। देखिए मैंने यहाँ पर बी स्टिच को इंक्रीज कर दिया है। अब 1 2 2 की चेन यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डालना है, 1 2 2 की चेन और यहाँ पर बी स्टिच डालना है, 3 की चेन डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से आएगा ये, देखिए बी स्टिच। वन टू टू की चेन, सिंगल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर मैं बी स्टिच को इंक्रीज करूँगी, बढ़ाऊँगी बी स्टिच को, 3 की चेन और बी स्टिच। देखिए इंक्रीज कर दिया है, 1 2 2 की चेन और यहाँ पे डालना है 6 डबल क्रोशिया, 1 2 2 की चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 2 की चेन और इधर भी इंक्रीज करना है बी स्टिच को, 2 तरफ मैंने बी स्टिच को इंक्रीज कर दिया है। यही से ही पोंचो आगे को बढ़ेगा। 1 2 2 की चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 2 की चेन और देखिए यहाँ पर डालना है बी स्टिच, 1 2 3 3 की चेन और यहाँ पर डालना है डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये बी स्टिच डाल दिया है, इधर भी इंक्रीज कर दिया है और इधर भी डिज़ाइन को मैंने इंक्रीज कर दिया है। 1 2 2 की चेन और यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है। इस तरह से मैंने ये रो भी कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से मैंने इसमें ये वी स्टिच डाल दिए हैं और सिंगल क्रोशिया। देखिए 8 इधर हैं और 8 इधर हैं, टोटल इसमें 16 वी स्टिच हो गए हैं।
इसी तरह से पोंचों को आगे को बढ़ाना है। देखिए इस तरह से मैंने बुनते हुए पोंचों को इतना बड़ा बना लिया है। देखिए इस तरह से मैंने ये बनाया है, मैंने इसकी 4-4 रो बनाई हैं। और देखिए ये डिज़ाइन देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, बटरफ्लाई का डिज़ाइन है ये। देखिए और इधर से इस तरह से आया है, दोनों तरफ से, बैक से और फ्रंट से। अब देखिए नीचे से मैं बुनती हूँ, इसकी लास्ट रो बनानी है नीचे से, इसमें पिंक कलर लगाना है। वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, सिक्स की चेन और डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया डाल दी है, बी स्टिच डाल दिया है। वन टू, टू की चेन और इसी तरह से बी स्टिच को डालना है। वन टू, टू की चेन और बी स्टिच। देखिए वन टू, टू की चेन और सिंगल क्रोशिया। वन टू, टू की चेन और बी स्टिच। देखिए इस तरह से बी स्टिच सिंगल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। टू की चेन, अब यहाँ पर भी मैं बी स्टिच डालूँगी। देखिए मैंने बी स्टिच डाल दिया। वन टू, टू की चेन और यहाँ पर भी मैं बी स्टिच डालूँगी। वन टू की चेन, बी स्टिच। देखिए इस तरह से वन टू, टू की चेन और यहाँ पर भी बी स्टिच डालना है। वन टू, बी स्टिच। देखिए इस तरह से मैंने ये बी स्टिच डाल दिए। देखिए इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। वन टू, टू की चेन, अभी यहाँ पर भी बी स्टिच डालना है। देखिए मैंने ये बी स्टिच डाल दिया है। अब टू की चेन, अभी यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देना है। इस तरह से ज्वाइन कर दिया है, स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना। इस तरह से मैं अब धागे को कट कर देती हूँ। देखिए धागे को मैंने कट कर दिया है और इस तरह से मैंने ये रो को कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से मैंने ये बी स्टिच डाल दिए हैं। देखिए बी स्टिच दोनों तरफ से डाल दिए हैं मैंने। ये पॉम पॉम बांधने के लिए मैंने ये बी स्टिच बनाए हैं। देखिए मैं पॉम पॉम बात को बांधूंगी इसमें बी स्टिच में। पहले मैं गले का बॉर्डर बना देती हूँ, गले का बॉर्डर बनाना है। तो देखिए इस तरह से मैं गले का बॉर्डर बनाती हूँ। बॉर्डर बनाना है गले का, गले का बॉर्डर बनाना है। गले का बॉर्डर बनाना है तो इस तरह से मैं बनाऊंगी। वन टू, टू की चेन और हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया को डालना है। देखिए इस तरह से आएंगे ये हाफ डबल क्रोशिया। देखिए ये गले की फ्रंट साइड आ गई है। अब यहाँ से मैं हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूँगी। वन हाफ डबल क्रोशिया, टू हाफ डबल क्रोशिया
और ये 3 हाफ डबल क्रोशिया, ये हो गए हैं 4, 1 2 3 4। अब एक साथ बुनना है, देखिए यहाँ से मैंने 2 हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। फिर इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए बुनना है और बैक साइड भी मैं इसी तरह से बुनूंगी। देखिए ये बैक साइड आ गई है गले की, अभी यहाँ से भी मैं हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूंगी। 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया और ये 3 हाफ डबल क्रोशिया, ये हो गए हैं 4, 1 2 3 4। वो एक साथ बुन देना है। देखिए यहाँ से भी मैंने डिक्रीज कर दिए हैं 2 हाफ डबल क्रोशिया को। देखिए ये रो मैंने कंप्लीट कर दी है। अब इसको मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से ज्वाइन करना है। अब 1 2 2 की चेन और हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया डालना है और फ्रंट से और बैक से डिक्रीज करना है। देखिए ये फ्रंट साइड आ गई है, अब यहाँ पर मैं डिक्रीज करूँगी। 1 हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज करना है, 1 हाफ डबल क्रोशिया और 2 हाफ डबल क्रोशिया, ये हो गए हैं 3। एक साथ मैंने बुन दिया है, यहाँ से मैंने 1 हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है फ्रंट साइड से। देखिए ये अब बैक साइड आ गई है, अब यहाँ से भी मैं डिक्रीज करूँगी। 1 हाफ डबल क्रोशिया और एक ये 2 हाफ डबल क्रोशिया, ये हो गए 3 और एक साथ बुनना है। देखिए यहाँ से भी मैंने 1 हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। अब इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ, ज्वाइन करना है और मैं कलर चेंज कर देती हूँ। इसमें अब मैं ब्लू कलर लगाती हूँ। देखिए इसकी मैंने ये सेकंड रो कंप्लीट कर दी है, दूसरी रो कंप्लीट कर दी है। वन और एक ये 2 की चेन और हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया डालना है। इसकी मैं ये तीसरी रो बना रही हूँ। देखिए ये फ्रंट साइड आ गई है, अभी यहाँ से मैं 1 हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूँगी। 1 हाफ डबल क्रोशिया और एक ये 2 हाफ डबल क्रोशिया, ये हो गए हैं 3 और एक साथ बुनना है। देखिए यहाँ से भी मैंने 1 हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। देखिए इस तरह से आ रहा है गला। फिर मैं बैक साइड भी इसी तरह से डिक्रीज करना बताऊंगी। देखिए ये बैक साइड आ गई है, अब यहाँ से भी मैं हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूँगी। 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, ये हो गए 3 और एक साथ बुन देना है। देखिए यहाँ से भी मैंने 1 हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। देखिए अब इसको मैं स्लिप स्टिच लेते हुए यहाँ पर ज्वाइन कर दूँगी। ये तीसरी रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है, इस तरह से ये गला बनता हुआ आ रहा है। देखिए अब देखिए मैं इसकी लास्ट रो बनाती हूँ, लास्ट रो बनानी है फिर ये गला कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 2 की चेन, हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए बुनना है। देख मैं इसकी ये फोर्थ रो बना रही हूँ और ये लास्ट रो बना रही हूँ। अब देखिए ये फ्रंट साइड आ गई है गले की, अब यहाँ से भी मैं 1 हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूँगी। 1 हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज करना है,
वन और एक ये टू, देखिए ये हो गए थ्री, और एक साथ बुन देना है। यहाँ से भी मैंने वन हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। इसी तरह से मैं बैक साइड भी करूँगी, देखिए इस तरह से ये आ रहा है। देखिए अब ये बैक साइड आ गई है। अब यहाँ से भी मैं वन हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूँगी, वन हाफ डबल क्रोशिया और ये टू हाफ डबल क्रोशिया, देखिए वन टू थ्री, एक साथ बुनना है इनको इस तरह से। यहाँ से मैंने वन हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। अब इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है और यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से मैंने ये रो को कंप्लीट कर दिया है। अब इसको मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। इस तरह से ज्वाइन कर दिया है, धागे को मैं कट कर देती हूँ। ये गला मैंने कंप्लीट कर दिया है और डिज़ाइन भी इस तरह से आ गया है। अब देखिए मैं इसमें पोम पोम लगा देती हूँ और यहाँ पर ये मोती लगाने हैं, बीट्स लगाने हैं मोती। पहले मैं पोम पोम लगाऊँगी फिर उसके बाद मैं मोती लगाऊँगी। देखिए अब मैं पोम पोम बनाती हूँ, पोम पोम बनाने हैं। और इसमें मैं फोर धागे लगाऊंगी, फोर धागे लेना है और बराबर करकर लगाना है इस तरह से, उल्टा करना है पोंचो को, पोंचो को उल्टी तरफ से बांधना है। कोने पर बांधना है पॉम पॉम को, बे स्टिच में बांधना है इस तरह से। देखिए मैंने ये बांध दिया है पॉम पॉम, इस तरह से आ गया है। ये बांधने के बाद जो छोटे बड़े हैं उनको हम इस तरह से कट कर देते हैं। देखिए इस तरह से ये बन गया है पोम पोम, और बाकी पोम पोम भी इसी तरह से बांधने हैं। तो इस तरह से मैंने ये सारे में पोम पोम लगा दिए हैं फ्रंट से और बैक से, देख दोनों तरफ से लग गए हैं पोम पोम, फ्रंट से भी और बैक से भी। देखिए इस तरह से ये पोंचो बनकर आ गया है और इसका गला भी मैंने ये बना दिया है। अब देखिए इसमें मैं मोती लगा देती हूँ, यहाँ पर बटरफ्लाई में मोती लगाने हैं। देखिए ये वाले मैं मोती लगाऊंगी इसमें, तो मैं लगाती हूँ अब इसमें मोती। यहाँ से मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ किस तरह से मैं लगाऊंगी। देखिए इस तरह से लगाने हैं। देख इस तरह से मैं लगाऊंगी। देख इस तरह से मैंने इसमें ये लगा दिए हैं मोती।
ये मैंने मोती लगा दिए। देखिए लगा दिया मोती मैंने, अब इसी तरह से दूसरा मोती भी लगा देना है। इस तरह से मैंने ये सारे मोती लगा दिए। देखिए अब ये पोंचो कंप्लीट हो गया है। ये बैक से आया है, बैक से भी मैंने लगाए हैं और ये फ्रंट से भी। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है पोंचो। देखिए ये पोंचो मैंने अब कंप्लीट कर दिया है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।